स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस पर। बीएसएससी का एग्जाम होने वाला है, रीजनिंग की क्वेश्चंस, रीजनिंग की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनालॉगी के क्वेश्चंस। बीएसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें एनालॉगी के क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम एनालॉगी को ही डिस्कस करेंगे, क्या होता है एनालॉगी, कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखिए एनालॉगी क्या होता है, आपको रिलेशन दिया होता है, जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे इन दोनों के बीच हमें क्या है, रिलेशन दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, इन दोनों के बीच सेम रिलेशन हमें बताना है क्या होगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये एनालॉगी होता है, रिलेशन बताना होता है, जो रिलेशन पहले से दिया होता है सेम वही दूसरे से होता है वो बताना होता है। तो आज इसमें यही डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो अगर अब तक आपने हमारे केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है। बोर्ड पे लिखे हुए हैं क्वेश्चन। देखिये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एनालॉगी से है। एनालॉगी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 टाइप से पूछे जाते हैं, वर्ड एनालॉगी, अल्फाबेट एनालॉगी और नंबर एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी ये है, अल्फाबेट एनालॉगी ये है, वर्ड नंबर एनालॉगी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन इसी वीडियो में। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, कार का रिलेशन किससे है, रोड से। कार हमारी कहां पर चलती है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, मतलब कार जो है ट्रांसपोर्ट है किस चीज का, रोड ट्रांसपोर्ट है। सेम ऐसे ही शिप किसका ट्रांसपोर्ट है, कार रोड पे चलेगी हमारी, कार मतलब गाड़ी, रोड सड़क, शिप जहाज वो किसका क्या है, ट्रांसपोर्ट है वो किसका है। गाड़ी जो शिप है वो कहां पर चलती है, वाटर, हाँ पानी में ही तो शिप चलती है। एयर पे चलती है, नहीं, एयर पे एरोप्लेन चलता है। रोड पे हमारी कार हो गई, ए और बी, नहीं, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, क्या बचा, वाटर। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, शिप का रिलेशन हमारा किससे होगा, वाटर से हमारा रिलेशन होगा। ऐसे ही आपको रिलेशन बताने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अल्फाबेट एनालॉगी से है, क्या है, ग्लो का जो हमारा ग्लो वर्ड है उसका रिलेशन किससे है, एफ जे एन यू से है। हमें क्या बताना है, पी टी ई एल का रिलेशन किससे होगा, ये हमें बताना है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे लिख लीजिए। ग्लो का रिलेशन किससे है, एफ जे एन यू, इनकी वैल्यूज लिख लीजिए 7, 12, 15 और 23। इसमें क्या है, 6, 10, 14 और 21। ठीक है, हमने वैल्यूज लिख ली। 7 इसमें क्या हुआ, -1, इसमें क्या हुआ, -2, फिर अगेन क्या हुआ, -1, अगेन क्या हुआ, -2, -1, -2, -1, -2। सेम ऐसे ही किसमें होगा, पी टी ई एल में होगा। पी की वैल्यू कितनी है हमारी, 16, टी की वैल्यू 20, ई की 5, एल की 12। ये क्या हो गई हमारी वैल्यूज, इसमें से क्या माइनस होगा, 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 15, 15 किसकी वैल्यू है, ओ की। टी टी की वैल्यू 20, 20 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 18, 18 किसकी वैल्यू है हमारी, आर। ई ई की वैल्यू 5, 5 में से अगर हम अब 1 माइनस करेंगे, 4, और 4 किसकी वैल्यू है, डी। एल एल की वैल्यू 12, 12 में से हम क्या माइनस करेंगे, 2, क्या आएगा, जे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ओ आर डी जे होगा। कौन से ऑप्शन में है, ओ आर डी जे, ओ आर डी जे हमारा बी जो ऑप्शन है उसमें है, तो यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये एनालॉगी के क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं जो आगे के क्वेश्चन है क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5, 124, 6 क्वेश्चन मार्क, ये किसका है, ये नंबर एनालॉगी का हमारा क्वेश्चन है। 5 का रिलेशन 124 से आप कैसे निकालेंगे, अगर देखिए अगर आप रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं या मैथ्स आप कर रहे हैं, आपको स्क्वायर्स क्यूब्स याद होने चाहिए। स्क्वायर्स आपको कम से कम कहां तक याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और जो आपकी क्यूब है वो आपको 20 तक कम से कम याद होने चाहिए कि आप एकदम समझ जाएं। देखते ही क्या हमारा क्वेश्चन है, क्यूब आ रहा है, माइनस हो रहा है उसमें। देखिए अगर आपको याद होंगे तो, अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद होंगे
तो ये जो 124 है आपको देखते ही ध्यान में आ जाएगा, पांच का रिलेशन 124 से कैसे हो सकता है, कैसे? पांच का क्यूब माइनस वन, पांच का क्यूब कितना है 125 और उसमें से हमने कितना माइनस किया एक, तो हमारा क्या आ गया 124 आ गया। सेम ऐसे ही हमारा क्या है 6 है, 6 का क्यूब कितना है, 6 का क्यूब 216 और उसमें से हम एक माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 215, 216 में से हम एक माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 215, तो हमारा क्या आंसर होगा जो ऑप्शन ए है 215 यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हमें दिया हुआ है अकोस्टिक को हमने क्या लिखा 91 लिखा, हमें बताना है रिनाउंस को हम कैसे लिखेंगे। देखिए अकोस्टिक को अगर हमने 91 लिखा तो आप एकदम से आपके माइंड में हिट करना चाहिए क्या ये जो इसकी वैल्यूज है अकोस्टिक की जो अल्फाबेटिक वैल्यूज है उनको प्लस करके 91 हमारा आ सकता है। चलिए देखते हैं अकोस्टिक है हमारा एक, हम डायरेक्ट क्या करेंगे वैल्यूज को लिखेंगे, हम वर्ड द्वारा नहीं लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की 3, ओ की 15, यू की 21, एस की 19, टी की 20, आई की 9 और सी की 3। अब अगर हम इस पूरी वैल्यू को जोड़ें 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 15 19, 19 प्लस 21 40, 40 प्लस 19 59, 59 प्लस 20 कितना होगा 79, 79 प्लस 9 होगा 88, 88 और 3 कितना होगा 91, तो इसका टोटल हमारा कितना आ गया 91, मतलब 91 वैल्यू कैसे आई इन सबका टोटल करके। सेम ऐसे हमें रिनाउंस का बताना है तो रिनाउंस की कैसे आएगी, जो रिनाउंस है वर्ड उसके सबका टोटल करके वैल्यूज का हमारी वो वैल्यू भी आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी होती है 18, ई की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 14, ओ की वैल्यू 15, यू की वैल्यू 21, यू एन की वैल्यू 14, सी की 3 और ई की वैल्यू 5। ये सारी हमारी वैल्यूज हमने लिखी और इसको प्लस करेंगे 18 5 कितना होता है 23, 23 और 14 कितना होगा 37, 37 और 15 ये होगा हमारा 52, 52 और 21 73, 73 प्लस 14 कितना होगा 87, 87 प्लस 3 87 प्लस 3 90, 90 प्लस 5 95, क्या आया हमारा टोटल 95। इसको रिचेक कर लेते हैं, लास्ट की सारी जोड़ लेते हैं 8 प्लस 5 13, 13 4 17, 17 और 5 22 और 1 23, 23 4 27, 27 और 3 30 और 5 27, 30 और 5 35, 3 4 5 6 7 8 9 क्या वैल्यू आई हमारे 95 और इसका आंसर क्या आया यानी ऑप्शन ए 95 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। हमने चार क्वेश्चंस देखे, आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा किलोमीटर मीटर टन क्वेश्चन मार्क, हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा, ऑप्शन क्या है लीटर किलोग्राम आर वेट, मतलब लीटर किलोग्राम घंटे और वजन। देखिए किलोमीटर का मीटर से हमारा क्या रिलेशन है, किलोमीटर एक बड़ी मात्र मतलब जो नापने की इकाई है वो बड़ी है, मीटर क्या है उससे छोटी है, पहले मीटर फिर किलोमीटर। सेम ऐसे टन से छोटी हमें इकाई बतानी है क्या होगी। देखिए टन मतलब वेट जो है हमारा उसको नापने के काम आता है, लीटर कोई लिक्विड चीज होती है उसको नापने के क्या काम आता है लीटर, लेकिन अगर हमारी हैवी वैसी चीज होती है दूसरी जो लिक्विड ना हो ठोस हो उसे हम किससे नापते हैं किलोग्राम से हम नापते हैं, तो ये जो टन है टन से छोटा क्या होगा हमारा किलोग्राम होगा। घंटा जो है ये टाइम को डिनोट करता है, टाइम बताता है, ये हमारा जो ठोस चीजें होती हैं उसको बताता है किलोग्राम, लीटर लिक्विड चीजों को बताता है, वेट वजन को बोलते हैं, तो इसका ही रिलेशन कुछ भी नहीं है, करेक्शन इसका भी नहीं है, आर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा जो ऑप्शन बी है किलोग्राम किलोमीटर का रिलेशन मीटर से ऐसे ही है जैसे टन का किससे है किलोग्राम से है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट है 50 65 122 और क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा। देखिए 50
इन दोनों के बीच में डिफरेंस 15 था, अगर हम इसके में भी 15 जोड़ दें, हमारा ऑप्शन में नहीं है क्या, 137 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो 15 हम इसमें नहीं जोड़ सकते। अभी मैंने आपको पिछली जो अभी क्वेश्चन पर कराया उसमें बताया स्क्वायर और क्यूब याद करने का, अगर आपको याद होंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। देखिए 50, 65, 122 क्या है ये, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर प्लस 1, क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है 11 का स्क्वायर प्लस 1, 7, 8, 11, और यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर कितना है 144, और उसमें अगर हम एक जोड़ेंगे क्या आएगा हमारा 144 में अगर हम एक जोड़ेंगे आएगा 145, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ऑप्शन बी है यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें जितना आप शेयर कर सकते हैं, और हमारे इस केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और आगे भी वीडियोस मिलेगी, तो उसके लिए ताकि आपको वीडियोस मिले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो उसके लिए आप बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए। मेरा एक अलग से यूट्यूब चैनल भी है वैशाली जैन के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मेरी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई होप आपको ये वीडियो लाइक पसंद आई होगी, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।